जय हिंद दोस्तों, इंडियन आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट आ चुका है। कुछ दिनों पहले जो इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि रिजल्ट को कैसे देखना है और आप किस यारों से है, सारा कुछ इसमें डिटेल बताएंगे किस किस जोन का रिजल्ट आ चुका है। स्पेशली इस वीडियो में बात करेंगे बिहार और झारखंड का जो अग्निवीर आर्मी का रिजल्ट आया है उसके बारे में, तो हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे ही हम लोग इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, उसके बाद नीचे हम लोग स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। जैसे ही हम लोग स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा JCOOR अग्निवीर इनरोलमेंट। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर आपको दिख रहा है। मतलब ये कब कब एग्ज़ाम हुआ था, 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक आप लोगों का एग्ज़ाम चला था, तो उन्हीं का क्या हुआ है, रिजल्ट आ चुका है। तो इसी में हम लोग नीचे आएंगे, तो हम लोग यहाँ पर दिखेगा रैली नोटिफिकेशन, रैली प्रोग्राम दिखेगा, फिर CCE रिजल्ट दिखेगा। जैसे ही CCE रिजल्ट दिखेगा, तो हम लोग CCE रिजल्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे हम लोग CCE रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट्स का यहाँ पर सारा नोटिफिकेशन आ चुका है, किस किस जगह का यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अम्बाला जोन का भी आ चुका है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको देखा लगे जलंधर जोन का भी दिख रहा है, फिर कलकत्ता जोन का भी दिख रहा है। उसी तरह से आपको यहाँ पर हर जगह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन का भी दिख रहा है आपको, फिर यहाँ पर IRO दिल्ली का भी दिख रहा है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट और कैटेगरीज का यहाँ पर दिख रहा है, और सबसे नीचे बिहार और झारखंड का सबसे नीचे दोस्तों आपको देखना है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट रिलीज ऑफ बिहार एंड झारखंड 2023 से 2024। तो जैसे ही यहाँ पर आप आते हैं, आपको यहाँ पर बिहार और झारखंड के जितने भी रिलीज हुए वहाँ पर जितना भी लड़का का सिलेक्शन हुआ उसका सारा का सारा यहाँ पर लिस्ट में नाम होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने यहाँ पर सारा PDF खुल के आ जाएगा। हम थोड़ा सा PDF को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से आपको दिखाने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये है ना दानापुर जोन का है, ARO दानापुर अग्निवीर जनरल ड्यूटी यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कुछ। आप यहाँ पर आकर के अपने फ़ोन पर देख सकते हैं, फ़ोन पर भी देखने का पूरा प्रोसेस यही है। उसके बाद फिर आपका जो भी होगा, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप उसको सर्च कर लीजिएगा। और रिजल्ट देखने के लिए अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं, तो कंट्रोल और ऐप के साथ आपको यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग कंट्रोल और ऐप के साथ दाब के सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं, तो मोबाइल पर PDF में सर्च करने का ऑप्शन ऊपर में ही आता है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर किसी एक कैंडिडेट का लिखते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अभी हम यहाँ पर लिखे, यहाँ पर हमें यहाँ पर वो कैंडिडेट का नाम दिख रहा है, और यही हमारा रोल नंबर है। तो इसी के हिसाब से आपको वहाँ पर सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा, और आपको पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। और जहाँ तक रनिंग की बात हुई, हमने एक वीडियो पहले ही बनाया था जब रनिंग का डेट आया था, जून के दूसरे सप्ताह के बाद कभी भी रनिंग के लिए एडमिट कार्ड जारी हो सकता है, ये वीडियो हमने पहले ही बना दिया था कि आप लोगों को पता चल जाए। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम अपने सरकारी हेल्पिंग यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको रिजल्ट देखने का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम हमेशा ही यूट्यूब चैनल सरकारी हेल्पिंग पर लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।